छोटे बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, इसका एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पहली से पांचवी कक्षा तक पढ़ने वाले 80 बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान सांप मिली हुई खिचड़ी परोस दी गई। स्कूल स्टाफ द्वारा विशाल बर्तन में पकाई गई खिचड़ी परोसना शुरू ही की थी कि उसमें लंबा सांप पड़ा हुआ दिखाई दिया। तत्काल खिचड़ी वितरण रोका गया और बाद में सरकार द्वारा इस घटना को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए गए। यह घटना हुई है महाराष्ट्र के नांदेड के गरगवान जिला के प्राथमिक स्कूल में। हैरान कर देने वाली इस घटना में सबसे बड़ा तथ्य यह सामने आया कि बेहद लापरवाही से खिचड़ी बनाई गई थी और उसमें पता नहीं कैसे सांप आया और सांप को भी खिचड़ी के साथ पका दिया गया। कुल मिलाकर यह मामला बेहद गंभीर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।